हाय गाइस, वेलकम बैक टू फहद रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं विजिट नेपाल एंड 2022। इससे पहले हमने रिएक्शन दिया था विजिट नेपाल एंड 2020, जब आपको याद हो हमने न्यू रिएक्शन दिया था नेपाल के ऊपर एंड बहुत सारी वीडियोस के ऊपर हम रिएक्शन दिए थे। बहुत शानदार वीडियोज़ आई थी, बट कोरोना काल की वजह से नेपाल की वो विजिट या 2020 के अंदर जो विजिट थी वो काफ़ी ख़राब हो गई है एंड बहुत नुकसान उठाना पड़ा नेपाल को। एंड उम्मीद करते कि 2022 नेपाल के लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा गुजरेगा। तो आज हम इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे कि विजिट नेपाल एंड 2022। आइए स्टार्ट करते हैं। वंडरफुल विजिट नेपाल एंड 2022। दिए बहुत सारे यार, दोबारा स्टार्ट कर। 3, 2, 1, go and start. Wonder, repeat. Visit Nepal in काफ़ी शानदार पैराग्लाइडिंग है। तो और जो है पैराग्लाइडिंग के लिए कोई मंदिर था इनका हिंदू का, ये सीन काफ़ी शानदार है और इस अमेजिंग रेडियो। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के बीच में समंदर आया हुआ है, जैसे कराची के अंदर एक दो जगह है ऐसी। ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है नेपाल के अंदर, काफ़ी शानदार जगह है और काफ़ी ज़्यादातर विजिटर्स जाते जाते हैं वहाँ पे। अब सारे काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन लग रही है। ग्रीनरी काफ़ी ज़बरदस्त है और यह है बर्फबारी। ज़बरदस्त सीनरी है यार, ये काफ़ी शानदार, काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी वंडरफुल। पंडित है ये हिंदुओं का जो अक्सर मंदिर पे होते हैं। एंड ये टाइम लैप काफ़ी ज़बरदस्त है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा इस वीडियो के अंदर। माउंट एवरेस्ट रंगों की दुनिया, यही होली नेपाल के लिए। ग्रीनरी, ऊपर से पहाड़ और ऊपर से फिर दरिया बीच में गुजर के जा रहा है, सोचती इज रियली रियली अमेजिंग, रियली रियली। खत्म।
तो भाई ये थी वीडियो जिसको देख के आपको ये लगे कि यार हमें विजिट करना चाहिए 2022 के अंदर नेपाल को. नेपाल इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन द साउथ एशिया, स्पेशली माउंट एवरेस्ट की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है नेपाल. और नेपाल की ज़्यादातर टूरिज्म की वजह से उसकी इकॉनमी आगे ऊपर जाती है या नीचे जाती है. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, वो इसी वजह से उठाना पड़ा कि 2020 के अंदर सब चीज़ें बंद पड़ी हुई थी. और 2020 के अंदर हमने आपको वीडियोस बनाई दिखाई थी कि कैसे कैसे जगह बनती, आने जाने के लिए जगह नहीं थी, कितना लॉकडाउन था, सख्त लॉकडाउन जिसे कहा जाता है वो लगा हुआ था. उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग स्टार्ट गए जनवरी फरवरी एंड मार्च के मिड तक. मार्च के मिड के बाद जो है ना हालात ख़राब हुए एंड पूरी दुनिया लॉकडाउन में पड़ी. 2021 थोड़ा सा बेटर गुजरा एंड आई होप के 2022 इससे भी अच्छा गुजरे.